तो ये टॉपिक चल रहा है एसी सर्किट विच इज कंटेनिंग प्योर इंडक्टर, ये चल रहा है। ये भी थोड़ा बहुत आई थिंक हो गया था, डेरिवेशन स्टार्ट तो कर दिया था मैंने, ठीक है। तो एक काम करो स्टूडेंट, क्योंकि 4 या 5 दिन का गैप आ गया ऑलमोस्ट, और आप इतना इतना आपका नहीं है, इतना आपका मेमोरी पावर भी नहीं रहेगा कि ये सब चीजें इतना याद रहे, ठीक है। वैसे भी ये फिजिक्स है, मूवी रहता तो याद हो जाता है वो चीजें, ये तो फिजिक्स है, कैसे याद रहेगा। तो एक काम करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सिर्फ ये जो टॉपिक है ना सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर, 1 मिनट अपनी नोटबुक में देख लो कैसे डिराइव किया है, जस्ट हैव अ लुक एट दैट टॉपिक, 1 मिनट देख लो। पहले केवीएल लगाया होगा, कैसे केवीएल लगाया वो एकदम देखो अच्छे से। डेरिवेशन में कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो। देखो एक फॉर्मूला आ रही होगी दैट ई ईएमएफ व्हिच इज अप्लाइड इट इज इक्वल टू एल डीआई बाय डीटी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें आप आई को पुट कर सकते हो, करंट आप अपने हिसाब से पुट कर दो, करंट पुट करोगे तो ईएमएफ निकलेगा उसमें से, अगर ईएमएफ पुट करोगे तो फिर करंट निकलेगा। ई और आई में से कोई भी एक हम लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं तो फिर दूसरा निकलेगा। तो मैंने क्या पुट किया था, करंट को पुट किया कि ईएमएफ को पुट किया है पहले? करंट को कितना पुट किया है? आई को मैंने पुट किया है आई जीरो साइन ओमेगा टी कर। तो मैंने ऐसे अज्यूम किया कि सपोज करंट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, इट्स अवर अजम्पशन एंड वी गॉन विद दैट। तो आई जीरो बाहर आ गया क्योंकि आई जीरो कॉन्स्टेंट है, इट्स अ पीक वैल्यू ना, तो आई जीरो और एल बाहर आ गया, इट विल बी डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी विल बी कॉस ओमेगा टी। ये देखो ये आया होगा इस, और साथ में ओमेगा भी आएगा ना, कि जब डेरिवेटिव लोगे तो अंदर का भी डेरिवेटिव लेना होगा ओमेगा टी का डेरिवेटिव। सो जस्ट हैव अ लुक एट योर नोटबुक, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, देखो यही है फाइनल एक्सप्रेशन। यस सर। ओके सो दिस इज अवर फाइनल एक्सप्रेशन, ई इज गिवन बाय I zero omega L cos omega t, right? ठीक है। So चलो मान लेते हैं यही आपका, इसमें भी मैं आगे बढ़ता हूँ। This E is applied EMF. अब बाहर देखो क्या है, यहाँ पे है omega L I not cos omega t है, cos omega t को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं sin omega t plus 90 degree ना, तो 90 degree को मैंने pi by 2 लिख दिया radians में, तो कॉस ओमेगा टी है यहां पर, कॉस ओमेगा टी को हमने लिखा है साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, सी दिस। ओके सो अब ध्यान से देखो, ये आपका ईएमएफ का एक्सप्रेशन है और करंट का एक्सप्रेशन आपने लिखा है आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। इफ यू लुक एट द फेज, करंट का जो फेज है ना वो ओमेगा टी है, और जो ईएमएफ का जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है, दिख रहा है फेज? देखो करंट का जो ये फेज एंगल है वो ओमेगा टी है, ईएमएफ का जो फेज एंगल है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू है। तो क्या लग रहा है, हु इज लीडिंग इन द फेज, करंट और द ईएमएफ? ईएमएफ लीड कर रहा है। तो क्लियरली आपको देख के समझ में आएगा कि जो ईएमएफ है ना, अप्लाइड ईएमएफ, जो ये अप्लाइड ईएमएफ है वो भी अल्टरनेटिंग नेचर की है ना, तो ई लीड्स है बाय 90 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू करंट, मतलब करंट की एक कंपैरिजन में ईएमएफ आगे चल रहा है 90 डिग्री से पाई बाय टू, ठीक है। इसका मैं डायग्रामेटिकली मतलब ग्राफिकली भी देख लेंगे ये चीज क्या है, लेकिन ग्राफ पे जाने से पहले ये पूरा समझ के लो कैसे होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो ये E का एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसमें ये साइन का टर्म है, साइन का टर्म जो है ना
वो टाइम के साथ बदलता रहता है. एज द टी विल चेंज, यहाँ पे देखो टी है, एज द टी विल चेंज द साइन टर्म विल ऑल्सो चेंज विथ टाइम. जैसे जैसे टाइम बदलेगा साइन का टर्म बदलता रहता है. द टाइम एट विच द टर्म ऑफ द साइन विल बिकम वन, जब भी साइन टर्म वन हो जाएगा उस टाइम पे मैं बोल सकता हूँ ई मैक्सिमम हो जाएगा ना. सो जो ये साइन का टर्म वन हो गया तो बाकी बचेगा क्या, यहाँ पे ओमेगा एल आई नॉट बचेगा. सपोज साइन का टर्म वन हो गया तो ओमेगा एल आई नॉट विल बी द ई एम एफ. दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई एम एफ. मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग ई जीरो लिखते हैं. तो ई जीरो की वैल्यू ये होगी ओमेगा एल आई जीरो. तो ओमेगा एल आई जीरो जो है ये ई जीरो होगा. तो अल्टीमेटली ई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ई इज गिवन बाय ई जीरो टाइम्स साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू. तो क्लियरली ई आगे है. पहले आप ये जो सब लिखा है वो नोट कर लो, देन उसके बाद हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे. हो गया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम लोग ग्राफ देख लेंगे. स्टूडेंट आप एक मिनट वेट करो, आप ग्राफ मत बनाना फिलहाल. यू डोंट ड्रॉ, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब आपको ड्रॉ करना है. अभी ड्रॉ मत करना, नो नीड टू ड्रॉ. खाली आप देखो, जस्ट ऑब्जर्व करो कैसे बना रहा हूं. ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस सपोज मैंने टाइम प्लॉटिंग कर दिया. टाइम मतलब टी, टी भी प्लॉट कर सकते हो और ओमेगा टी चाहिए तो ओमेगा टी एज अ होल भी प्लॉट कर सकते हैं. टी चलेगा. और यहां पर वाई एक्सिस पे सपोज मैंने ईएमएफ प्लॉट किया. पहले करंट ले लेते हैं, पहले करंट प्लॉट किया. ठीक है, अब आप डेरिवेशन को चेक करो. करंट की जो आपने फॉर्मूला लिखी है, करंट जो आपने लिखा है वो आपने ये लिखा है. देखो ये ना करंट की फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है ये जो करंट का ग्राफ है ना वो साइनोसॉइडल शेप का रहेगा. साइन है ना, साइन शेप का ग्राफ रहेगा. मैथमेटिक्स में आपने सीखा है साइन ग्राफ ऐसा, बराबर. ये हो गया साइन ग्राफ. ठीक है, ये ग्राफ होगा करंट का. अच्छा, अब आते हैं ईएमएफ पे. ईएमएफ 90 डिग्री आगे चल रहा है ना, इसका ग्राफ क्या, इट वाज ई नॉट साइन ओमेगा डी प्लस 90 डिग्री था. साइन ओमेगा डी प्लस 90 इज सेम एज कॉस ओमेगा डी ना. एक्चुअली में देखो जाके ई का ग्राफ कॉस में था, कॉस को बाद में मैंने साइन ओमेगा डी प्लस 90 करके लिखा था. ई का ग्राफ कोसाइन जैसा होगा ना. ठीक है, तो ये जो ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉन है वो करंट का ग्राफ है. देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे करंट का ग्राफ. लेकिन जो ईएमएफ का ग्राफ होगा वो कॉस के जैसा होगा, कोसाइन ग्राफ होगा. कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, देखो ये मैंने पहले भी बताया था. दिख रहा है एक सेकेंड ग्राफ जो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, डॉटेड ग्राफ. वो जो सेकेंड ग्राफ है डॉटेड वाला, इट्स अ ग्राफ ऑफ ईएमएफ. तो क्या लग रहा है, दोनों ग्राफ एक जैसे ही वेरिएशन कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पीक पर कौन पहुंच रहा है, हु इज दिस एट द पीक फर्स्ट? ईएमएफ. क्या होता है, जो लीड करता है ना वही पहले पीक पे पहुंचता है. रियल लाइफ में भी ऐसा है ना, जो आगे चलता है वो पहले पीक पे पहुंचता है ना. अब उस पीक पे पहुंचने की कॉम्पिटिशन है, तो जो पीक पे पहले कौन पहुंचेगा, जो आगे चल रहा है. तो यहाँ पे जो पीक, ऐसा होता है रूल है कि जो पीक पे जो लीड करता है वो पीक पे पहले आता है. तो ईएमएफ इज लीडिंग देन करंट. देख लो, समझा ये ग्राफ. हाँ, ड्रॉ करने की नीड नहीं है, जैसे मैंने कहा ड्रॉ मत करो, जस्ट वेट अ मिनट. ये हो गया. सी स्टूडेंट, तो एक याद रखो, ऐसी जो शेप के ग्राफ आते ना ये, ठीक है, अगर ग्राफ इस शेप का आ रहा है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसी शेप का ग्राफ आता है ना, तो मतलब यूजुअली ये जो क्वांटिटीज है ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज होती है. देखो करंट का ग्राफ जिस शेप का है ना, उससे मैं देख से बोल सकता हूँ कि करंट अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है. ईएमएफ का ग्राफ भी देख लो तो उससे पता चलता है कि ईएमएफ भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है. तो इस टाइप के ग्राफ किसके लिए आते हैं, अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के लिए आते हैं.
यहाँ पर करंट और ईएमएफ जो है वो दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हैं, उनके ग्राफ ऐसे आते हैं। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक नई चीज सीखेंगे अभी ना, आई विल टीच यू अ न्यू थिंग। उस नई चीज को बोलते हैं फेजर। फेजर नई चीज सीखेंगे, फेजर। जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह में जाने वाले हैं उनके लिए फेजर आगे भी काम आएंगे इंजीनियरिंग वगैरह में, ठीक है? ओके, तो इंजीनियरिंग वालों के लिए तो खास करके इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है जो मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बोलेंगे हमको क्या करना है, नहीं ऐसा नहीं है। अभी आप डॉक्टर बने नहीं हो, ठीक है? अभी आपका फिजिक्स में तो ये काम आएंगे फेजर्स, ठीक है? तो फेजर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशली इंजीनियरिंग में तो ये काम आते हैं काफी स्टडी करने में। फेजर्स क्या होते हैं ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है ना, जैसे करंट एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है, ईएमएफ एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। अगर दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को मुझे डील करना है, इफ आई वांट टू डील विद टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, डील करना मतलब कि अगर दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को मुझे ऐड करना है या दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का मुझे टोटल निकालना है, मल्टीप्लाई करना है उनको, तो उसको बोलता हूँ डील करना। तो दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को जब आपको डील करना होता है ना, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करना है उनको, तो ये ग्राफ से कुछ नहीं कर सकते आप, यू कैन नॉट डू विथ ग्राफ। तो वो किया जाता है फेजर्स से। फेजर्स गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड एनीथिंग द टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, ठीक है? सपोज एक एग्जाम्पल देता हूँ, दो अल्टरनेटिंग करंट्स हैं, दो अल्टरनेटिंग करंट्स, आपको दोनों को ऐड करना है, तो दोनों के आप ग्राफ बनाओगे ना तो ऐसे ग्राफ बनेंगे। तो अब आप बोलोगे ऐसा ग्राफ से कैसे ऐड करूं मैं दोनों को, तो आपको फेजर्स आर द मेथड टू ऐड द टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, ठीक है? सबसे पहले आपको फेजर्स कैसे बनाते हैं वो बताना होगा, ठीक है? देखो क्या करना है ध्यान से देखो, ठीक है? ये देखो फेजर्स कैसे बनाने हैं, यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एक डॉट बनाया, ठीक है? ठीक है, डॉट बनाया, ठीक है? अब देखो यहाँ पर एक बात है, इज इट करंट इज अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ना, तो एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए एक वेक्टर बनता है, फेजर इज एक्चुअली अ वेक्टर। तो एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के लिए मैं यहाँ पे एक वेक्टर बनाऊंगा, यहाँ पर दो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो दो वेक्टर्स बनेंगे, ठीक है? तो सपोज पहले मैं करंट से स्टार्ट करता हूँ, करंट एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है यहाँ पर, तो करंट का एक वेक्टर बनेगा। कैसे बनेगा देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो मैं वेक्टर बना रहा हूँ, ये देखो मैंने एक वेक्टर बनाया, ठीक है? ये वेक्टर है बेसिकली। अब वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ना, वेक्टर हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सबसे पहले मैं मैग्नीट्यूड बता देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड उतना होगा जितना ये करंट की पीक वैल्यू है। ये करंट की पीक वैल्यू कितनी है, सपोज इस करंट की पीक वैल्यू है आई जीरो, इसका मैग्नीट्यूड भी आई जीरो होगा। देखो मैं लिख देता हूं, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड क्लियर हो गया, ये जो वेक्टर है ना इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा जितना वो क्वांटिटी का पीक वैल्यू है, मैग्नीट्यूड इतना होगा जितना के पीक वैल्यू तो फिक्स होता है ना, तो उतना इसका मैग्नीट्यूड होगा, क्लियर? अब आते हैं इसके डायरेक्शन पे, इसका ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन कैसा होगा, देखो ध्यान से, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि इसका जो ये हेड है ना, हेड विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। देखो मैं समझा देता हूँ, एक बार जब टाइम जीरो है, व्हेन टाइम इज जीरो, आप लोग प्लीज आंसर दो मुझे, जब टाइम जीरो है तब करंट कितना है? जीरो। यहाँ पर है ना करंट की वैल्यू, ये ना वाई एक्सिस पर करंट कितना है, इधर है ना, तो इसका जो हेड है ना, ये वेक्टर जो हेड है ना, हेड भी जीरो पे रहेगा, हेड ऐसे। देखो अब देखो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम करंट इतना हो जाएगा, देखो लुक एट माय फिंगर, आफ्टर सम टाइम करंट इतना हो जाएगा है ना, वाई एक्सिस पे थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो ये फेजर भी ऐसे रोटेट करके इधर आ जाएगा ऐसे, फिर आफ्टर सम मोर टाइम करंट और बढ़ेगा और करंट अपने इधर पहुंचेगा एकदम पीक पर, मतलब वाई एक्सिस पे वो पीक पे होगा, तो ये भी ऐसा होके अपने पीक पर आ जाएगा ऐसे, ठीक है? ऐसे मतलब लाइक दिस, सो दैट ऐसा होना चाहिए कि हमेशा ये जो वेक्टर है ना, वेक्टर का जो हेड है
हेड शुड बी एट सेम लेवल विद दिस. फिर ये देखो करंट ऐसे नीचे आएगा, लुक एट माई फिंगर, करंट नीचे आएगा, ये फेजर भी ऐसा हो जाएगा. सो दैट इसका जो हेड है ना, ये देखो हेड ऐसा होना चाहिए. फिर ये इधर आ गया, इधर देखो लुक एट दिस फिंगर, कहां पे आ गया, जीरो पे आ गया ना. तो ये भी घूम के ऐसा हो जाएगा, सो दैट इसका जो हेड है ना, देखो देखो मैं अभी एक साथ दिखा देता हूं. लुक एट इट केयरफुली, ये देखो क्या होता है, लुक एट इट. समझा क्या कुछ? समझ में आ रहा है? ये देखो स्टार्टिंग देख लो, शायद स्टार्टिंग में समझ में आ जाए. स्टार्टिंग मेन है, देखो क्लियर. तो जैसे ही करंट ऊपर बढ़ेगा ना, ये फेजर भी घूमेगा. इसका जो हेड है ना, हमेशा करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के साथ होना चाहिए ऐसा. तो ये जो फेजर्स है ना रोटेट करते हैं अल्टीमेटली, ये फेजर्स ना ऐसे रोटेट करते हैं यूजुअली. ऐसा नहीं है कि ये फेजर रोटेट कर रहा है, एवरी फेजर रोटेट. इस वेक्टर को ही फेजर बोलते हैं. दिस वेक्टर इज नोन एज अ फेजर. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, जितना पीक वैल्यू है, और ये रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में. सी मैंने आपको ऐसे बताया ना, ऐसे रोटेट कर रहा है. इट यूजुअली रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑल वेक्टर्स. ठीक है, अब थोड़ा और क्लियर होगा जब मैं दूसरा एक फेजर बनाऊंगा. देखो ये जो मैंने अभी फेजर बनाया ना, ये जो वेक्टर बना है वो करंट के लिए था. अब यहां पर एक और अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है विच इज ईएमएफ. तो ईएमएफ के लिए भी एक फेजर आएगा. देखो ईएमएफ का फेजर ऐसे आएगा, देखो. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फेजर, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर विल बी ई जीरो. राइट, जितना पीक वैल्यू होता है उतना मैंने कहा था कि मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड इसका ई जीरो होगा. अब देखो स्टार्टिंग में जो ये ईएमएफ है, स्टार्टिंग में ईएमएफ पीक पर है ना, स्टार्टिंग में ईएमएफ इतना है ना, इतना. तो इसके सामने देखो ऐसे, ये देखो ऐसे इधर होगा हेड, ऐसे ये देखो. अब उसके बाद ईएमएफ नीचे गिरना शुरू करेगा. देखो माय फिंगर, देखो ये ऐसे घूमना शुरू करेगा. जब ईएमएफ नीचे की पीक पर पहुंचेगी, ये फेजर भी नीचे वाले पीक पे आ जाएगा ऐसे, फिर ऐसे. समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग में ईएमएफ यहां पर है तो इसका हेड भी यहां पे रहेगा. स्टार्टिंग में करंट जीरो है तो इसका हेड भी इधर है. समझ में आ रहा है? ये ईएमएफ का जो फेजर है ना, जो फेजर है ईएमएफ का, वो भी ऐसे घूमेगा. इमेजिन करो कि दोनों फेज, दोनों है ना, यहाँ पे दो आपको वेक्टर्स दिख रहे हैं, दोनों ऐसे घूमेंगे. देखो ऐसे एज अ टाइम पासिस हो, दोनों ऐसे घूमेंगे. दिख रहा है? ठीक है, तो एक बात, इसमें अगर ऐसे दोनों ऐसे रोटेट होते रहेंगे कंटिन्यूअसली, दोनों में आगे कौन रहेगा हमेशा? Who will be ahead? EMF ही आगे रहेगा. EMF आगे रहेगा ना, क्योंकि आपने देखो ये इंडक्टर का केस है, आपने पहले ही लिख चुके हो कि इंडक्टर के केस में EMF leads by 90 degree. देखो दोनों में एंगल कितनी है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री की एंगल है दोनों के बीच में. तो इस ग्राफ से भी दिख जाता है, ग्राफ से भी दिख जाता है कि E is leading then the current by 90 degree. ठीक है, देखो जितना इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में फेस का डिफरेंस होता है ना, ये ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, इन दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज के बीच में जितना फेस का डिफरेंस होता है ना, उतना ही डिफरेंस इन दोनों वैक्टर्स के बीच में भी आता है. अगर इन दोनों क्वांटिटीज के बीच में 90 डिग्री का फेस डिफरेंस है, उतना ही 90 डिग्री का एंगल इन दोनों वेक्टर्स के बीच में भी आ जाता है. दिस सच थिंग्स आर, दिस वेक्टर्स आर नोन एज फेजर्स. और जो डायग्राम मैंने बनाया ना ये वाला, इस डायग्राम को फेजर डायग्राम कहते हैं. दिस इज नोन एज फेजर डायग्राम. ठीक है, अब सुनो ध्यान से, आपको क्या करना है, ग्राफ तो आपको बनाना है. फेजर डायग्राम इसके ऐसे बाजू में मैंने बनाया जस्ट टू एक्सप्लेन. बाजू में इसलिए बनाया जाता है टू एक्सप्लेन इट. आपको चाहिए तो आप भले बाजू में मत बनाओ, ग्राफ के नियर बाय मत बनाओ, ग्राफ से नीचे बनाओ भले.
अब आपको ये फेजर भी बनाना पड़ेगा, फेजर और ये दोनों बना लो, ठीक है. नो नीड टू ड्रॉ साइड बाय साइड, आप नीचे अलग से भी बना सकते हो फेजर, ठीक है. ड्रॉ बोथ ऑफ दिस. फेजर पे मैंने जो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का ये एरो दिया ना, ये वाला, लुक एट दिस, ये भले मत ड्रॉ करो, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है. सिर्फ दो वेक्टर्स बना लो. सर वो ग्राफ में आपने ईएमएफ को छोटा क्यों लिया है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड? वो ऐसे अजम्पशन है, वो बड़ा भी हो सकता है. कोई तो देखो, करंट और ईएमएफ में किसी को तो छोटा दिखाना पड़ेगा, किसी को बड़ा. मैंने दिखा दिया ईएमएफ को छोटा, कोई कंपलसरी नहीं है वो. ओके सर. सर इसका मैग्नीट्यूड हमेशा पीक वैल्यू रहेगा कोई भी इसके लिए? हाँ, पीक वैल्यू लिया जाता है. इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना पीक वैल्यू है. ओके सर. सर पर पीक वैल्यू क्यों लेते हैं? अरे भाई उसका रीजन सिंपल है. ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपने पीक पर पहुंचती है, मैंने ऐसे बताया था ना कुछ ऐसे करके, ये भी घूमता है साथ में. तो ये जब अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अपने पीक वैल्यू पे पहुंचेगी, मतलब कितना ऊपर पहुंच जाएगी, इट विल रीच अप बाय आई जीरो ना, आई जीरो मीटर ऊपर चली जाएगी. तो ये एरो भी ऐसे एकदम स्ट्रेट होके वर्टिकल खड़ा हो जाएगा, तो इसका लेंथ भी तो आई जीरो होना चाहिए ना, तभी उनका हेड हेड मैच होगा ना इधर से. देखो ऐसे होता है ना ये. Yes, तो ये जब ऊपर अपने पीक पे जाएगा, कितना ऊपर चला गया, इट विल गो अप बाय आई जीरो मीटर्स. ये भी ऊपर जाना चाहिए बाय आई जीरो मीटर, इसका हेड आई जीरो मीटर ऊपर जाना चाहिए, इसकी लेंथ होनी चाहिए आई जीरो एटलीस्ट. ओके सर, समझा. सर अब सेम लेंथ वाला ही लेना है हमेशा? भाई एरो की लेंथ उतनी है, वेक्टर की लेंथ उतनी है जितना उसका पीक वैल्यू है, क्या है इसमें डाउट है? ये जो लिखा है ना मैंने, यस सर, ये इसमें क्या हार्ड है, इतना समझ में नहीं आ रहा. मैग्नीट्यूड इक्वल टू पीक वैल्यू. क्लियर विद दिस? हो गया. कंप्लीटेड. यस सर. ठीक है. हाँ तो ये फेजर है. एक बात, ये हमने अभी प्योर इंडक्टर डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग प्योर इंडक्टर. इसमें भी मैं आगे बढ़ रहा हूं. तो ई की जो फॉर्मूला हमने बनाई थी, ईएमएफ की फॉर्मूला, वो हमारी ये बनी थी, ई इज इक्वल टू ओमेगा एल I naught sine of omega t plus pi by 2. ये बनी ना फॉर्मूला. इसमें मैंने आपको बताया जो ओमेगा एल आई नॉट है वही पीक वैल्यू है ना. तो ये चीज हम लोग लिख चुके हैं पहले, राइट? चल अब मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट. अब देखो इसमें अगर मैं ऐसे करूं, ई नॉट डिवाइडेड बाय आई नॉट, इट विल बी ओमेगा एल. देखो ये E क्या है, E नॉट जो है ना, इट्स अ EMF ऑफ द सर्किट, पीक वैल्यू ऑफ EMF, नो डाउट, बट इट्स अ EMF ऑफ द सर्किट. और I क्या है, इट्स अ करंट इन द सर्किट. व्हेन यू डू लाइक दिस, EMF ऑफ अ सर्किट डिवाइडेड बाय करंट इन द सर्किट, भले पीक वैल्यू है वो चलेगा, लेकिन EMF अपॉन करंट किया, EMF अपॉन करंट, इससे सर्किट का रेजिस्टेंस मिलता है क्या? व्हेन यू डू
in case of any circuit, if you do like this, EMF of a circuit divided by a current of the circuit, E upon I से क्या मिलता है सर्किट का? Resistance. Resistance. ये भी तो resistance ही देगा ना, E upon I भी resistance होगा. भले आप इसको यूनिट के हिसाब से भी कर सकते हो, यूनिट लेके EMF का यूनिट है वोल्ट. ये देखो मैं आप स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, EMF का यूनिट वोल्ट है, करंट का यूनिट एम्पियर है. वोल्ट पर एम्पियर कंबाइन करके ओम्स ही बनता है ना, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. वोल्ट पर एम्पियर इज ओम्स, तो डेफिनेटली ये ओम्स में आएगा, मतलब ये एक रेजिस्टेंस ही है. तो E अपॉन आई से मुझे क्या मिलेगा? इज इट सर्किट का रेजिस्टेंस मिलेगा? बात समझ में? ये देखो ये आपका सर्किट है, इट्स अ सर्किट विच कंटेनिंग प्योर इंडक्टर. ये सर्किट था, आपके पास भी रहेगा आपके स्क्रीन पे, आपके नोटबुक में. तो ये आपको याद है मैंने ये इंडक्टर प्योर इंडक्टर लिया था, याद है? थोड़ा सा प्योर इंडक्टर मैंने कहा था, ये जो इंडक्टर है ना ये प्योर इंडक्टर है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है, रेजिस्टेंस वाज जीरो. इसमें बैक ईएमएफ बनता है, बैक ईएमएफ विल गिव यू ऑपोजिशन, बट रेजिस्टेंस नहीं था. सो ई अपॉन आई करके जो मैंने अभी किया, ई अपॉन आई करके मुझे कौन सा रेजिस्टेंस मिलेगा? एक्चुअली रेजिस्टेंस इस वायर का है ही नहीं. तो ई अपॉन आई करके मुझे पता है क्या मिलेगा? यूजिंग ई अपॉन आई, आई विल गेट द ओवरऑल ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय दिस इंडक्टर. ठीक है, इसमें वो रेजिस्टेंस नहीं है जिसमें हीटिंग बनती है, वैसा रेजिस्टेंस नहीं है. ई अपॉन आई करके आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन ये वो नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं है जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेते हो रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा. ये वाली रेजिस्टेंस होती है ना, ये वाली रेजिस्टेंस जो होती है ये नहीं मिलेगी. ई अपॉन आई करके आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा जिसको मैं डिनोट करता हूं विथ सिंबल एक्स एल. एल फॉर सेल्फ इंडक्शन, एल सेल्फ इंडक्शन की वजह से लिखा है एल. सो ई अपॉन आई को हम लोग एक्स एल लिखेंगे. एल जो है मतलब वो सेल्फ इंडक्शन के लिए एल लिखा है, एक्सएल सिंबल. ये एक्सएल क्या है? एक्सएल इज द ओवरऑल ऑपोजिशन गिवन बाय दिस सर्किट टू द करंट. ये जो आपका सर्किट है ना इंडक्टर वाला, ये जितना ओवरऑल ऑपोजिशन देगा, ओवरऑल ऑपोजिशन इज मेजर्ड बाय एक्सएल. ठीक है, अब आप बोलोगे ये ऑपोजिशन क्या देगा? देखो मैंने आपको बताया था जैसे ही इसमें से करंट फ्लो होना चालू करेगा इसमें बैक ईएमएफ बनेगा. Don't you feel that back EMF will oppose the change of the flux? Na, back EMF is current ko oppose karegi na. To wo jo opposition hai na, opposition in the form of back EMF. Wo jo opposition hai, wo kitni opposition hai? It is measured by this quantity. XL jo hai na, XL measures the overall opposition given to the current by the circuit. देखो ऐसा ही सेम चीज आपने कैपेसिटर में भी किया था, याद करो कैपेसिटर में XC आया था, XC याद है? यहां पर XL है, तो इस XL का नेम अभी बता देता हूं. XL का जो नेम है ना, XL इज नोन एज, यहां पे लिख रहा हूं मैं, XL का नेम है इंडक्टिव रिएक्टेंस. अगर आपको कैपेसिटर वाला याद है, कैपेसिटर में XC सिंबल था, XC उसका नाम था कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब इंडक्टर का रिएक्शन. अगर इसमें सिंपल ट्रांसलेशन करूं इसका मतलब है इंडक्टर का रिएक्शन, इंडक्टिव रिएक्टेंस. इंडक्टर जो रिएक्टेंस दे रहा है, रिएक्शन दे रहा है वो है ये. इंडक्टर जो ऑपोजिशन दे रहा है ये वो है. तो यहां पर ई अपॉन आई से एक्सएल मिलता है, तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एक्सएल, ओमेगा एल. I suggest अभी लिख लो, उसके साथ साथ एक बार कैपेसिटर में भी चले जाओ. कैपेसिटर में XC मिला था सेम बेसिस पे, XC, C मतलब कैपेसिटर. XC भी एक बार देख लो, XL भी देख लो, देखो कंपैरिजन करो दोनों का, तो दोनों ध्यान में रखना है आपको. ठीक है, ये लिख लो पहले, और उसके साथ साथ एक बार XC को भी जाके देख लो कैपेसिटर पे. ठीक है, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो फिर. ये एक्सएल एक्सी उतना जल्दी क्लियर नहीं होता है, एज यू प्रैक्टिस दिस टॉपिक ना थोड़ा थोड़ा आई चल के एक्सएल एक्सी समझेगा, उतना क्लियरिटी नहीं आती है फर्स्ट टाइम में एक्सएल एक्सी में. नोट इट डाउन.
और एक बार एक्ससी भी देख लो, कैपेसिटर में जाओ देखो, वहां पे ऐसा सेम टर्म है कैपेसिटर में। कैपेसिटर में एक्ससी मिला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्ससी, टेल मी। 1/ω इनटू कैपेसिटेंस, मतलब 1/ωc। तो वहां पे 1/ में है ओमेगा सी, यहाँ पर ओमेगा सी तो नहीं आएगा, ओमेगा एल है। एल वही है, पता है, एल इज अ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे जो एल दिख रहा है ये देखो, एल वही है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एल इज डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉइल, याद है, वही है। सर इसमें जो ओवरऑल ऑपोजिशन है सर, वो बैक इसको छोड़कर है ना, बैक ईएमएफ को? नहीं, बैक ईएमएफ को ही इंक्लूड करके है। बैक ईएमएफ जो ऑपोजिशन देती है करंट को, वही ऑपोजिशन आपकी एक्सएल से मेजर होती है। पर सर ये तो ओम्स में है ना? हाँ देखो, कभी भी एक सिंपल रूल होता है किसी भी सर्किट का, अगर आप द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ऑन द सर्किट डिवाइडेड बाय करंट करोगे ना, तो आपको रेजिस्टेंस या जो ओवरऑल ऑपोजिशन है वही मिल जाती है सर्किट की। तो यहाँ पर भी इंडक्टर के ऊपर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो ई जीरो है, जो इंडक्टर के ऊपर वोल्टेज अप्लाइड है वो ई जीरो है, इंडक्टर से जो करंट जा रहा है वो आई जीरो है। इन दोनों को डिवाइड करोगे ना तो इंडक्टर जो ऑपोजिशन दे रहा है वो मिल जाएगी आपको, एक्सएल वही है। ओ हाँ हाँ ओके सर, उसमें बैक भी, मतलब जो बैक बैक ईएमएफ है वो भी जो ऑपोजिशन है वही है ये, बट ये वोल्ट्स में नहीं आएगी, ऑपोजिशन तो ओम्स में ही आएगी ना हमेशा। हाँ हाँ ओके सर। सर सर एक छोटा डाउट था सर, सर वो जो कैपेसिटेंस का इंडक्टेंस था ना, रिएक्टेंस कैपेसिटेंस का, हाँ जो एक्सी बोल दो, एक्सी, हाँ एक्सी, वो एक्सी जो था ना सर, वो ओमेगा के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। हाँ उसका तो सर डायरेक्टली क्यों है? देखो ओमेगा को हम लोग 2.2 फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, राइट? यस। जितना फ्रीक्वेंसी हाई होगा मतलब उतनी बार करंट रैपिडली चेंज हो रहा है, जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा मतलब उतनी ज्यादा साइकिल्स आएंगी पर सेकंड, उतनी ज्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स, ये नंबर ऑफ साइकिल, उतनी ज्यादा साइकिल्स आएंगी पर सेकंड। जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा मतलब उतना फ्रीक्वेंटली करंट चेंज हो रहा है, और जितना फ्रीक्वेंटली करंट चेंज होगा उतना ही ज्यादा उसको ऑपोजिशन मिलेगा ना, क्योंकि जितना फ्रीक्वेंटली करंट चेंज होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली फ्लक्स भी चेंज होंगे थ्रू द कॉइल, तो इससे ऑपोजिशन भी ज्यादा मिलेगा। यस सर। देखो स्टूडेंट, इसने एक अच्छा डाउट पूछा है, ये बोल रहा है कि सर एक्सएल जो है ना, एक्सएल आपने अभी फाइंड किया ओमेगा एल, मतलब एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, मैथमेटिकली तो मेरे को मिल गया ये चीज, ये मैथमेटिकली मिला, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, फिजिकली इसका क्या मीनिंग है, वाई एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है, ठीक है? तो वही मैं अभी इसको समझा रहा था। देखो जिनको अभी समझना है वापस समझ लो, बता देता हूँ, एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, एक्सएल प्रोपोर्शनल टू 2πf, मतलब एक्सएल प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा ना उतना मतलब आपका जो करंट है ना, करंट पासिंग इन द कॉइल, करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर, उतना करंट भी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा करोगे उतना करंट भी है ना चेंज ज्यादा फ्रीक्वेंटली होगा, जितना करंट जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज होगा उतने फ्लक्स पासिंग थ्रू द इंडक्टर भी फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे। देखो ये एक इंडक्टर है, इसमें से आपने करंट पास किया है, जितना ये करंट फ्रीक्वेंटली चेंज होगा उतने फ्लक्स भी फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे। अगर फ्लक्स ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंज होंगे तो ये जो होता है ना d5/dt, ये तो d5/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी ज्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगा ना, ज्यादा जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज होंगे तो मतलब d5/dt भी ज्यादा हो जाएगा। आपको याद होगा फैराडे के लॉस, d5/dt ज्यादा होगा तो ई प्रोड्यूस ज्यादा होगा, बैक ईएमएफ ज्यादा बनेगा,
कि बैक ईएमएफ इज गिवन बाय डी फाई बाय डीटी. जितना बैक ईएमएफ ज्यादा बनेगा उतना ही वो ज्यादा ऑपोजिशन होगा ना करंट को, मतलब ऑपोजिशन बढ़ गया, मतलब एक्सएल बढ़ गया. तो यस ऑपोजिशन बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ, हेंस एक्सएल प्रोपोर्शनल टू ओमेगा बिल्कुल सही है. कुछ समझा? काफी कुछ है, ट्विस्टेड है, ठीक है. ये क्या बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, इसलिए ज्यादा डिटेल में जाते ही नहीं है टीचर्स भी. लेकिन देखो जो भी चीज हम लोग, हाँ आकांक्षा सिंह एक्सएल का जैसे बताओ वैसे एक्ससी का भी बताओ. ठीक है, वेट फॉर टू मिनट्स. ठीक है, पहले एक्सएल का तो समझ के लो. ये समझा क्या क्या किया मैंने, काफी हॉरिबल कॉन्सेप्ट है ना, ये पहले समझ के लो मैंने क्या बोला. ठीक है, इतना डिटेल में बच्चे भी नहीं जाना चाहते, बोले सर इतना कौन डिटेल में जा रहे हो, और इतना डिटेल में टीचर्स भी नहीं जाना चाहते. तो ना टीचर्स जाते हैं ना बच्चे जाते हैं, दोनों खुश रहते हैं. लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअली लॉस जो है वो बच्चों का ही होगा, आपको नहीं पता चलेगा भाई आपका लॉस है, पता रहेगा तो अच्छा है ना आपके लिए. मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, तो लॉस आपका ही अगर नहीं सीखोगे तो, ठीक है, और किसी का नहीं है. तो एक्सेल जो है ना वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, उसका रीजनिंग मैंने समझा दिया. मोर फ्रीक्वेंसी करंट, मोर साइकिल्स विल कम, करंट विल चेंज मोर फ्रीक्वेंटली, फ्लक्स विल चेंज मोर फ्रीक्वेंटली, EMF more will be produced, more EMF will be produced, मतलब more opposition will be given to the circuit. So XL will be more, ठीक है? हाँ, अभी आकांक्षा सिंह कि सर XC के केस में क्या था, याद है आपके पास? XC के केस में ऐसा था that XC is equal to 1 by omega C. तो यहाँ पर तो XC और omega आपस में inverse proportion है. ओमेगा को 2πf लिखो, मतलब xc इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, देखो यहां पर जैसे ही फ्रीक्वेंसी लार्ज होगा ना, सपोज आपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया, एज यू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी xc मस्ट डिक्रीज अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज xc मस्ट डिक्रीज. ऐसा फिजिकली क्यों होता है, व्हाई इट इज हैपनिंग फिजिकली वो समझा देता हूँ. देखो ये कैपेसिटर वाला केस है, राइट? ये देखो ये कैपेसिटर है, ठीक. जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के ना, तो इसमें क्या होगा कि जो आपने अप्लाइड ईएमएफ है ना, एज यू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी अप्लाइड ईएमएफ जो है उसकी ज्यादा साइकिल्स आएंगे, ऐसे मोर नंबर ऑफ साइकिल्स विल कम. अप्लाइड ईएमएफ या अप्लाइड करंट दोनों बोल सकते हैं, साइकिल्स बढ़ेंगी, बहुत ज्यादा साइकिल्स आएंगी पर सेकेंड. मतलब ये जो करंट है ना, सॉरी ये जो ईएमएफ है ना, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होगा. ये ना प्लस माइनस होता है ना, ये दिस विल हैपन फ्रीक्वेंटली. ठीक है, जितना फ्रीक्वेंटली चेंज होगा तो क्या होता है पता है, सी जब इसकी चार्जिंग चलती है ना, सुनो ध्यान से, जब इस कैपेसिटर की चार्जिंग चलती रहती है, तो सपोज चार्जिंग इज गोइंग ऑन, चार्जिंग में ऑलरेडी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा और पॉजिटिव चार्ज आके रखना है इसके ऊपर. तो जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर आपको और पॉजिटिव चार्ज रखना है, सो जो ऑलरेडी चार्जेस एग्जिस्टिंग है वो अपोज करेंगे ना इनकमिंग चार्ज को, तो वो अपोजिशन है यहाँ पे. तो यहाँ पर अपोजिशन कैसे मिलती है, ड्यूरिंग चार्जिंग जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्जेस है उसके ऊपर आपने थोड़े और पॉजिटिव चार्जेस रखना चाहते हो, तो उसको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो अपोज करते हैं, दैट इज अपोजिशन. तो अगर देखो चार्जिंग लंबे समय तक चलेगी ना, इफ चार्जिंग इज हैपनिंग फॉर लॉन्ग टाइम, तो लॉन्ग सर फ्रीज हो गया. हाँ सॉरी बीच में एक प्रॉब्लम आ गया, अभी दिख रहा है स्क्रीन? यस सर अभी क्लियर है. हाँ तो मैं देखो कैपेसिटर जिनको समझना है ना कि एक्ससी एफ के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन क्यों है, तो मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, है तो थोड़ी लेवल आपके आपके लेवल के थोड़ा ऊपर का टॉपिक है ये, बट आई एम ट्राइंग. सुनोगे ध्यान से तो शायद समझ में आ जाएगा, नहीं सुना तो गए. ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पर जब चार्जिंग चलती है ना, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑपोजिशन मिलता है,
जब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्जेस हैं वो आने वाले चार्जेस को अपोज करते हैं. चार्जिंग अगर लंबे समय तक चलेगी ना, लेट्स से चार्जिंग इज हैपनिंग फॉर लॉन्ग टाइम तक चार्जिंग चल रही है, फिर लॉन्ग टाइम तक डिस्चार्जिंग चल रही है, चार्जिंग ज्यादा चलेगी ना, ज्यादा टाइम के लिए चल रही है तो ज्यादा टाइम के लिए ऑपोजिशन मिलेगा, मतलब मोर ऑपोजिशन यू विल गेट. लेकिन अगर ऐसा हो गया कि चार्जिंग बहुत ही कम टाइम के लिए हो रही है और फिर फ्री जल्दी से डिस्चार्जिंग शुरू हो रही है, फिर चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग फिर चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग, मतलब चार्जिंग इज हैपनिंग फॉर लिटिल टाइम, तो आपको ऑपोजिशन भी लिटिल मिलेगा. तो होगा क्या पता है, सुनो ध्यान से, एज यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी दिस ईएमएफ विल चेंज मोर फ्रीक्वेंटली. एज द ईएमएफ विल चेंज मोर फ्रीक्वेंटली, मतलब चार्जिंग डिस्चार्जिंग विल ऑल्सो हैपन मोर फ्रीक्वेंटली. तो चार्जिंग कम टाइम के लिए ही होगी और उसके बाद इमिडिएटली डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी. ठीक है, ये भी बहुत इमिडिएटली, अगर ये ईएमएफ रैपिडली चेंज होगा ना, ऐसे जल्दी जल्दी होगा फ्रीक्वेंटली, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग भी फ्रीक्वेंटली होने लगेगा. और चार्जिंग बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंज होगा तो आपको ऑपोजिशन कम मिलेगी, मतलब एक्सी कम हो जाएगा. कैपेसिटर विल गिव यू लेस ऑपोजिशन इफ फ्रीक्वेंटली चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस इज हैपनिंग. थोड़ा अलग होता है कैपेसिटर, अलग चीज है, इसमें आप इंडक्टर वाला लॉजिक नहीं लगा सकते. इंडक्टर में अलग लॉजिक लगता है, कैपेसिटर में अलग लॉजिक है. सो इसमें होता क्या है कि अगर आप फ्रीक्वेंटली चेंज करोगे चार्जिंग, इफ यू चेंज फ्रीक्वेंटली, बार बार ऐसे ऐसे करोगे, प्लस माइनस फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है, तो ऑपोजिशन कम मिलेगी क्योंकि चार्जिंग डिस्चार्जिंग कम कम टाइम के लिए होगा, तो ऑपोजिशन कम मिलेगी, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एक्सी कम हो जाता है. ऐसा कुछ लॉजिक है इसके पीछे. ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? और आज मैंने आपको जो ये बताया फेजर डायग्राम, वेरी क्लियर फेजर डायग्राम. हाँ, अभी अमन कुमार बोल रहे हैं कि सर फेज एक्सी अगर कम हो गया तो अच्छी बात है ना, रेजिस्टेंस कम हो गया. देखो आप लोग स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी ये होती है कि रेजिस्टेंस कम होना अच्छी बात होती है. कभी कभी हमें रेजिस्टेंस चाहिए होता है सर्किट में, हमेशा कम होना अच्छी नहीं होती, कभी कभी रेजिस्टेंस बढ़ाना भी पड़ता है सर्किट में. तो इट्स नॉट एक्सी कम होना ही अच्छा है, कभी कभी एक्सी ज्यादा की भी जरूरत पड़ती है. ऐसा बोल नहीं सकते कि एक्सी कम होना अच्छी बात है. ठीक है, ठीक है, अगर ऐसा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा की कभी कोई नीड ही नहीं होगी, ऐसा नहीं, ज्यादा रेजिस्टेंस की भी नीड होती है. ठीक है, यस सर. तो टुडे आई थिंक फेजर डायग्राम हमने डिस्कस किया था. एक काम करते हैं, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस, फेजर डायग्राम की प्रैक्टिस के लिए वी विल ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर सर्किट विच कंटेन ओनली कैपेसिटर. ओके, एनीबडी रिमेंबर्स द सर्किट विच कंटेन ओनली कैपेसिटर? इस सर्किट में करंट लीड करता है कि ईएमएफ लीड करती है, किसी को याद है? करंट, करंट लीड करता है. एक वर्ड मैंने आपको बताया था आइस करके, याद है? याद करो, बताया था. सी मतलब कैपेसिटर, आई मतलब करंट, ई मतलब ईएमएफ. तो हु इज लीडिंग हियर? आई इज लीडिंग, ई इज बैक साइड ना, तो ये बताया था मैंने शायद, याद है? हाँ, तो कौन लीड करता है? करंट. करंट कितना लीड कर रहा है, बाय 90 डिग्री और बाय 180 डिग्री और बाय 360 डिग्री, कितना लीड करता है? एनीबडी रिमेंबर्स? नहीं याद है तो आप जाके चेक करो नोटबुक, मुझे बताओ करंट कितने एंगल से लीड कर रहा है? 90 डिग्री. 90 था. अगर कोई बोलेगा ना कि इनके फेजर्स बनाओ, फेजर्स फॉर दिस सर्किट, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वेक्टर बनाऊंगा ऑफ लेंथ आई जीरो, ऐसे बना लिया, उसके बाद मैं ईएमएफ का फेजर ऐसे बनाऊंगा. देखो देखो दोनों में 90 डिग्री का डिफरेंस है. आपको कुछ याद है ये जो फेजर्स हैं, ये दोनों फेजर्स हैं, फेजर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं कि क्लॉकवाइज? बताया था मैंने, रोटेशन कैसा होता है इनका? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे घूमेंगे ना, देखो देखो बराबर है. तो एक बात है, जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, हु विल बी ऑलवेज अहेड इन दीज टू, करंट और ईएमएफ? करंट. करंट, वही तो आपने बताया कैपेसिटर के केस में करंट इज लीडिंग बाय 90 डिग्री ना. तो ये है फेजर डायग्राम फॉर कैपेसिटर. एक काम करो स्टूडेंट, मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपको, होमवर्क नहीं मतलब अभी आप करके बताओ मुझे. ये मैंने आपको फेजर डायग्राम बनाया है फॉर सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर. जिनको ये समझ गया, उसके बाद एज अ टास्क आप करो, ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टर.
ये भी हमने कराया है पहले, ओनली रेजिस्टेंस। ये आप खुद ट्राई करो, कर सकते हो। कैपेसिटर वाला बना लो, ये देखो, ये दे बना लिया। नाउ यू आर हैविंग अ गुड आइडिया ऑफ फेजर्स, फेजर्स कैसे बनाने वो समझ गया। तो नाउ यू ट्राई टू ड्रॉ द सर्किट, द फेजर डायग्राम फॉर द सर्किट विच कंटेन ओनली रेजिस्टेंस। ये भी मैंने करवाया है पहले, सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस। ये बनाओ और ये भी बना लो, करो देखो, ट्राई। नहीं, ई जीरो और आई जीरो में से कोई भी एक बड़ी लेंथ का बना सकते हो। ऐसे मत सोचना कि हमेशा ये जो आई जीरो है वही बड़ा होगा लेंथ में, वो मेरा अजम्पशन है। देखो, दोनों वेक्टर्स में से किसी एक को तो बड़ा बनाना पड़ेगा ना, दोनों सेम लेंथ के हैं, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है कि सेम लेंथ के होंगे। तो मैंने एक कोई भी बड़ा बनाना था तो मैंने आई जीरो को बड़ा बना दिया। आपको नहीं पसंद है, आप ई जीरो को बड़ा बनाओ, चलेगा। यू ट्राई टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम नाउ फॉर द सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस। मैंने वो करवाया आपको, प्योर रेजिस्टेंस जाके चेक करो, प्योर रेजिस्टेंस में कौन लीडिंग है, कौन लैग करता है फेज में। एंड यू नीड टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम फॉर द सर्किट विच कंटेन प्योर रेजिस्टेंस। कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करते हो कि जैसे कि बस वहां पे बंकिंग मारनी, ऑनलाइन बंकिंग? सर चालू ही नहीं हुआ अभी तक लेक्चर कॉलेज का। कोई कॉलेज, किसी कॉलेज के तो चालू हुए होंगे ना? कौन से कॉलेज के चालू हुए? मॉडल होते हैं लेक्चर्स? ठीक है, अटेंड करते हो ना? नहीं सर। अच्छा, आरकेडी के भी चालू है? अच्छा, मॉडल में तो मंडल सर पढ़ाते होंगे ना, अभी मैथ्स कराते हैं मैडम मंडल सर ऑनलाइन? हाँ सर। अच्छा, अब आप बोल रहे हो कि सर क्लासरूम में ही अटेंड नहीं करते थे, अभी ऑनलाइन क्या अटेंड करेंगे ना? तो पता है आपकी मेंटेलिटी, लेकिन ठीक है। अगर कोई जो लैंग्वेज के लेक्चर्स हैं, अगर इंग्लिश या हिंदी या मराठी कोई लैंग्वेज के लेक्चर्स हो या आईआईटी के हो, इट इज वो तो अटेंड करो, ठीक है। पीसीएम नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि वो यहाँ पे हो जाएंगे आपके, मे बी आई एम अज्यूमिंग कि आप यहाँ पे अटेंड करोगे वो, दैट इज माई अजम्पशन। सो बाकी लैंग्वेज तो वहाँ पे अटेंड करो, एटलीस्ट हिंदी इंग्लिश मराठी जो भी है लैंग्वेजेस या आईआईटी। कंप्लीटेड फेजर डायग्राम बनाया गया सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस का, किसने बनाया गया? यस सर। अच्छा, बनाया, थोड़ा अलग ही टाइप का आया होगा। तो कुछ बता सकते हो कैसे बनाया आपने, क्या ई और आई कैसे बनाया आपने, थोड़ा बताओ डिस्क्रिप्शन कैसे बनाया? सर दोनों का फॉर्मूला देखा तो दोनों में साइन ओमेगा टी था और कुछ भी उसमें ये फेज डिफरेंस नहीं था, तो दोनों को एक ही लाइन पे बनाया। मतलब ई और आई के दोनों के जो फेजेस हैं वो पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के। हाँ सर, एक ही लाइन पे बनाया ना।
यस करेक्ट है स्टूडेंट. अगर आप चेक करोगे ना द सर्किट विच कंटेन ओनली रेजिस्टेंस, सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टेंस, उस केस में ऐसा था कि ई एम एफ एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज, ई एंड आई बोथ आर इन सेम फेज. तो समझिए ई का फेजर बनाया आपने, करंट का भी सेम फेज में है, सेम फेज में, तो करंट भी यहीं पे आएगा ऐसे, कोई लीडिंग नहीं है कोई लैगिंग नहीं है, दोनों साथ साथ में, तो ये करंट का ऐसा एट द मोस्ट हम लोग ऐसा बना सकते हैं. देखो इज इट सिमिलर डायग्राम इज देयर फॉर, आपने ऐसे ही बनाया सिमिलर? Yes, sir. Yes, sir. It's a graph for circuit containing pure resistance. ठीक है? Okay. So I hope you got this now. समझा? ठीक है. See, before we go to next theory topic, आज मैं next theory topic नहीं ले रहा हूँ, वो next lecture में लेंगे. आज खाली हम लोग क्या करेंगे? एक या दो numerical try करेंगे. इन टॉपिक्स के ऊपर. सो राइट आफ्टर फिनिशिंग दिस राइट डाउन वन न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल लिख लेते हैं. राइट डाउन एक न्यूमेरिकल लिखो. इसमें लिखो न्यूमेरिकल, आई एम स्टार्टिंग नाउ. लिखो अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ E is equal to, स्टूडेंट मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं वो आप देखो. अल्टरनेटिंग ई एम एफ ऑफ दिस वन ई इक्वल टू 20 साइन 100 टी वोल्ट्स इज अप्लाइड, आगे लिखो इज अप्लाइड ऑन द इंडक्टर, is applied on the inductor of 100 millihenry, inductor of 100 millihenry, screen pe likha hai maine, inductor of 100 millihenry, screen pe likha hai, full stop. Find the RMS current. Find the RMS current. And also find the expression for, and also find the expression for instantaneous value of current. And also find the expression for instantaneous value of current. Question लिखा सबने? I hope आपने लिखा होगा. एक बार मैं quickly बोल देता हूँ वापस question. देख लो. An alternating EMF of this one is applied on the inductor of 100 millihenry. Find RMS current and find एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट. हाँ एक बार रीड करो अच्छे से. आप जो जो डेटा लिख सकते हो लिखो डेटा. ठीक है. सो कुछ डेटा निकल रहा है क्या इसमें से? ठीक है लेट्स सी क्या डेटा निकलेगा. आप में से देखता हूं किसको आ रहा है. एनीबडी नोज ये 20 क्या है? पता है 20 क्या है? ये ई नॉट, ये ई नॉट की वैल्यू है. करेक्ट, ई नॉट इज 20. अच्छा 20 के बाद जो मुझे नंबर दिख रहा है अगला, वो नंबर देखो यहाँ पर ये 100 है, 100 टी. कुछ आइडिया है ये 100 क्या होगा? ओमेगा. ओमेगा आपने जब भी ये एक्सप्रेशन देखे हैं ऐसा होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी. ओमेगा टी की जगह 100 टी है, मतलब ओमेगा इज 100. ओमेगा का यूनिट होता है ना रेडियन पर सेकंड होता है, दिस इज यूनिट ऑफ ओमेगा यूजुअली. अच्छा ये 100 मिली हेनरी गिवन है, ये कौन सा केस है? इंडक्टर की कैपेसिटर? सर इंडक्टर. तो ये सेल्फ इंडक्शन होगा ना, हेनरी में क्या होता है? सेल्फ इंडक्शन होता है. तो इट मस्ट बी द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ये एल है, इट्स
डिनोटेड बाय एल सिंबल. एल इज 100 मिली हेनरी. इसको हेनरी में कन्वर्ट कर देते हैं तो मिली हेनरी मतलब 10^-3 हेनरी. तो इट इज लाइक 100 × 10^-3 हेनरी. कितना हो गया? 0.1 हेनरी. देखो स्क्रीन पे मैंने डेटा लिख दिया है, ये डेटा है पूरा. अब सबसे पहले हमको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द करंट. करंट फाइंड करना है, ठीक है. करंट फाइंड करने से पहले एक काम करेंगे, लेट्स फाइंड एक्सएल. एक्सएल याद है? एक्सएल इज अ काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट. एक्सएल, एक्सएल की फॉर्मूला है ये ओमेगा इनटू एल. तो क्योंकि देखो ओमेगा भी गिवन है, एल भी गिवन है, तो मल्टीप्लाई करके मुझे एक्सएल मिल सकता है. तो एक्सएल विल बी ओमेगा इनटू एल. देखो ओमेगा 100 है और जो एल है वो 0.1 है. लुक एट द स्क्रीन. सो 10 आ गया ना. एनीबडी नोज व्हाट्स द यूनिट �फ दिस एक्सएल? एक्सएल का यूनिट ओम. तो 10 ओम्स आएगा ना. एक्सएल का नेम याद कर लो, एक्सएल का नेम था इंडक्टिव रिएक्टेंस. इट्स अ रिएक्शन गिवन बाय इंडक्टर. इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको. रिएक्शन नहीं है, रेजिस्टेंस ही है बेसिकली, तो लेकिन बोलते हैं रिएक्टेंस है इसको, ठीक है. 10 ओम एक्सएल हो गया. अब एक याद करके बताओ, अगर मैं किसी सर्किट का ईएमएफ ले लूं, ई नॉट ले लूं, ई नॉट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर लूं एक्सएल, एनी आइडिया क्या मिलेगा इससे? ई नॉट अपॉन एक्सएल से आई नॉट इट विल गिव यू आई नॉट. चलो गुड. जो स्टूडेंट ध्यान दे रहे हैं देखो उनका रैपिडली आंसर निकल रहे हैं उनमें से. गुड, ध्यान दोगे तो सब आ जाएगा समझ में, ठीक है. ई नॉट आपका 20 वोल्ट है एज गिवन इन द क्वेश्चन. एक्सएल मैंने फाइंड किया यहाँ पे 10 ओम्स. 10 20/10 2 एम्पियर. लेकिन ये आई नॉट मिला ना मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ई नॉट पुट किया तो आई नॉट मिल गया मुझे. तो आई नॉट देखो 2 एम्पियर है, लेकिन मुझे आरएमएस करंट चाहिए. एनी आइडिया? आरएमएस करंट याद है ना आपको क्या होता है? आरएमएस करंट कैसे मिलेगा? आई नॉट बाय रूट 2. एक फॉर्मूला थी आई नॉट बाय रूट 2. आई नॉट बाय रूट 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/√2 टाइम्स आई नॉट ना. किसी को याद है 1/√2 की वैल्यू? मैंने बताई थी आपको 1/√2 की वैल्यू 0.707. हाँ, 1/√2 की वैल्यू जो होती है वो 0.707. इट्स लाइक 0707 इनटू आई नॉट. आई नॉट आपका 2 एम्पियर है. ये यहाँ पर देखो 0.707 की कोई एक्चुअली में नीड नहीं थी. यहाँ पे अगर आप लोग सीधा आई नॉट डाल देते डिवाइड बाय रूट 2 तो भी हो जाता. अभी करो तो अभी भी हो जाएगा. इट्स 1.414. ये आरएमएस करंट है, ठीक है. यहां पहले समझ के लो. हो गया ये, ठीक है. फिनिश्ड? यस सर. इसके बाद लास्ट एक चीज और है, हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है. इंस्टेंटेनियस करंट मतलब करंट एट एनी टाइम टी. तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसे निकालेंगे वो बता देता हूं मैं लास्ट. फिनिश टिल दिस? यस. तो लास्ट जो पार्ट है ना, आखिरी का जो पार्ट है, मैं यहां पर कर लेता हूं. स्टूडेंट लुक एट दिस हियर. देखो करंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी और उसके बाद प्लस और माइनस 90 डिग्री. वो मुझे नहीं पता, प्लस माइनस 90 कुछ तो होगा, वो होगा, इससे मैंने छोड़ दिया है. प्लस माइनस 90 होगा. एक बात, ये केस है इंडक्टर का. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द इंडक्टर. आपको कुछ याद है इंडक्टर के केस में ईएमएफ लीड करता है कि करंट लीड करता है? एनीबडी? इंडक्टर के केस में ईएमएफ लीड करता है ना, मतलब करंट लैग करता है, करंट पीछे चलना चाहिए ना. तो आपने देखो ईएमएफ का जो ये फेज है, इसका देखो फेज आपको दिया हुआ है 100 टी मतलब ओमेगा टी. तो करंट के लिए मैं लिखूंगा ओमेगा टी माइनस 90 की ओमेगा टी प्लस 90 लिखना चाहिए. क्या लगता है करंट के लिए? माइनस 90 क्योंकि करंट लैग करता है, ईएमएफ लीड करती है. देखो माइनस 90 आएगा. अच्छा आई नॉट की वैल्यू आपने निकाली, आई नॉट 2 एम्पियर है आई थिंक. आई नॉट है ना, मैम पीक वैल्यू ऑफ करंट वो 2 एम्पियर है. उसके बाद साइन ओमेगा 100 है ना,
100 टी माइनस 90 डिग्री को पाई बाय 2 लिख देते हैं. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट, इंस्टेंटेनियस करंट. क्या है एक्सप्रेशन? आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन 100 टी माइनस पाई बाय 2. ये करंट है और ये ईएमएफ है इन द सर्किट. समझाइए. तो सेकेंड पार्ट मैंने यहां पे लिखा है, स्क्रीन पे देख लो, ये वाला लिखना है. इट इज अ फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, मतलब करंट करंट एट एनी टाइम टी. ठीक है, समझा क्या? ठीक है, तो एक काम करो स्टूडेंट, जस्ट एक न्यूमेरिकल ऐसे सिमिलर वन न्यूमेरिकल में होमवर्क दे रहा हूं, कल विदाउट फेल करके आना है आपको. वन होमवर्क न्यूमेरिकल आई एम गिविंग, विदाउट फेल करके आना है, क्योंकि ऐसे सेम बेसिस पे रहेगा वो भी. ठीक है, तो राइट ऑन वन होमवर्क क्वेश्चन. होमवर्क क्वेश्चन लिखो सब लोग जल्दी. लिखो एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, राइट ऑन एन अल्टरनेटिंग ईएमएफ, यही सेम लिख दो. अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज इक्वल टू 20 साइन 100 टी, ये सेम वाले लिख दो, सेम वाले. अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज इक्वल टू 20 साइन 100 टी, सेम लिख दो, वोल्ट्स. ठीक है, आगे लिखो इज अप्लाइड ऑन अ कैपेसिटर, इज अप्लाइड ऑन अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफेराड्स, applied on a capacitor of 10 microfarads. Full stop. Calculate the expression for instantaneous current. Calculate the expression for instantaneous current. And also find RMS current. तो देखो सेम क्वेश्चन है, खाली कैपेसिटर लगा दिया है मैंने. कर पाओगे ये? Yes, sir. ये होमवर्क है, विदाउट फेल हर एक स्टूडेंट को करके आना है कल तक. विदाउट फेल बोल रहा हूं, अगर मैंने कल पकड़ा कि आप नहीं करके आए हो तो आई मे थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास. मैं बोल दूंगा आपको, लॉग आउट करने को बोल दूंगा.